Very good morning, my dear students. So once again, welcome to our class of mathematics, and we are discussing the mathematics of class 7 CBSE. The name of the chapter is fractions and decimals, right? So before this session, we have done the three parts, right? The part 1, part 2 and part 3, and we have seen about the introduction of the fractions and decimal, and we have also seen the addition, subtraction and multiplication of the fractions, right? In this part 4, right, we will see the exercise 2.4. I hope you have successfully done the previous parts, part 1, part 2 and part 3, and now you are ready to do the exercise 2.4, in which we will see how to divide the fractions or how to divide the whole number with fraction, right? ये दोनों ही चीज़ हम यहाँ पर इसमें कवर करेंगे. So are you ready? So first of all, for the exercise 2.4, I want to show you which type of questions are given here. So you can see on the screen, there is exercise 2.4, in which the question number 1 says that find 12 divided by 3/4. So here you can see that, right? What you can see that in this question, right? यहाँ पर जो question दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप. सो 12, राइट, यू कैन सी द 12, राइट, दिस इज द 12, इट इज द होल नंबर, एंड हियर यू कैन सी द 3/4 जो है ये हमारा फ्रैक्शन है, राइट. सो हियर एक किसी होल नंबर को हमने फ्रैक्शन से डिवाइड किया हुआ है, राइट. तो हियर व्हाट वी कैन सी दैट यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको इसका डिविजन करना है. लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसके डिविजन करने के लिए भी हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, राइट. तो इस डिवीजन में हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो भी हम देखेंगे, एंड बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी डू द डिवीजन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, राइट. सो अगेन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द होल नंबर. सो हियर यू फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव लर्नड अबाउट द रेसिप्रोकल इन द प्रीवियस क्लास. सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम फिर से एक बार देखेंगे इसमें कि रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं. हियर यू कैन सी द वर्ड रेसिप्रोकल, राइट, विच इज कमिंग इन दिस एक्सरसाइज, राइट. सो रेसिप्रोकल, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द रेसिप्रोकल, बट द स्टूडेंट हु डोंट नो अबाउट दिस, सो वी विल सी इन द फर्दर पार्ट, राइट. हम रेसिप्रोकल क्या है वो भी देखेंगे. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3, देर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द डिविजन, राइट. 7/3 विच इज द फ्रैक्शन एंड इट इज डिवाइडेड बाय द 2 एंड विच इज द होल नंबर. हियर अगेन यू कैन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट. ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, 3. इन ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी दैट द मिक्स फ्रैक्शन और द प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द होल नंबर, राइट. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. Now, in the question number 4, again you can see the find. So here in this case, you can see the question number 1, right? So what is given in this question? The one fraction is divided by the another fraction. So we will cover this type of question in this topic, right? So ये मेरा आपको बताने का aim ये था कि 2.4 में किस तरह के question है और क्या क्या चीज़ें हमको इस session में cover करनी है, वो सारा मुझे आपको बताना था. इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले आपको एक एक्सरसाइज 2.4 का रिव्यू दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन हमको यहाँ पर करने हैं और उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, राइट. तो चलते हैं अपन यहाँ पर क्या क्या करना है. तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये सीखना होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट हियर, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने येलो कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू कैन रीड दैट. क्या है ये? द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट with each other is 1 are called the reciprocal of each other, right? Reciprocal का definition आपको exam में नहीं पूछा जाता है, but reciprocal numbers क्या होते हैं वो हमको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए. It is very important, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो समझते आइए इसको क्या है reciprocal. Non-zero numbers, यहाँ पर सबसे पहले बात ये कर रहे हैं, non-zero number की बात कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ये जो पहला जो यहाँ पर सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे द नॉन ज़ीरो नंबर. तो नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब वो होता है द होल नंबर्स विच आर नॉट ज़ीरो, राइट. तो होल नंबर यानी ज़ीरो को छोड़ के बाकी के जितने भी होल नंबर्स हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है. तो नॉन ज़ीरो नंबर्स को अगर हम देखें तो नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हम 1 से लेके 1, 2, 3,
राइट, इस तरह के जो नंबर है, इट मे बी गो अप टू द इन्फिनिटी, राइट, या जैसे कि हम बात करते हैं 1/3 या 2/5, ये जो नंबर्स होते हैं, दिस ऑल आर नोन एज द नॉन जीरो नंबर्स, राइट। तो ये नॉन जीरो नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। तो नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज़ वन, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी दो नॉन जीरो नंबर ले लें, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज आई टेक 2, राइट, एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक कोई नंबर लिया है 2, राइट, और अगर इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 2, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2, राइट। सो हियर यू कैन राइट द 2 एज 2/1, तो ये 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊँ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आऊँ, सो आई विल गेट दिस 1/2, राइट। तो ये यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों जो नंबर हैं 2/1 एंड 1/2, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर, सो आई विल गेट 1, राइट। एज यू नो दैट 2 इज कैंसल्ड बाई 2, सो वी विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 1, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज़ 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, और रेसिप्रोकल होगा तभी उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेसिप्रोकल। सो यू कैन इजिली मेक द रेसिप्रोकल नंबर, सपोज इफ एनीवन से यू दैट व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3, सो यू कैन राइट 1/3, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4, सो यू कैन सी दैट दैट इज 1/4, राइट। ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर आप कोई दूसरा नंबर ले ले रेसिप्रोकल, सपोज आपको बोल दिया है कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सो वी कैन रिवर्स दैट नंबर 3/2, यहाँ पर 3/2 हम इसको कर देंगे, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, राइट, तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपको डेफिनेशन याद नहीं रखना है, बट वो रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने देखे यहाँ पर, राइट। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने था। अब आइए हम चलते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर डिवीज़न, बिकॉज टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिवीज़न, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज का मेन टॉपिक ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आज का टॉपिक है, डिवीज़न ऑफ द फ्रैक्शंस। अब डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हमको बताया है इसमें 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 strips, राइट। सो दे आर टेकिंग सम एग्जाम्पल हियर, जॉन हैज़ द पेपर स्ट्रिप, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको पढ़ रहे होंगे, जॉन हैज़ अ पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 6 cm, ही कट्स दिस स्ट्रिप इन स्मॉलर स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ 2 cm ईच, यू नो दैट ही वुड गेट 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 strips, राइट। जैसे कि कल भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था लास्ट पार्ट में, कि एक 9 cm वाली रोप है और उसको हम 4 parts में क्या कर देते, ब्रेक कर देते हैं, और उसको हम इस तरीके से 4 parts में डिवाइड करेंगे। तो ये जो किसी भी एक कंप्लीट जो यहाँ पर एक रोप है, सपोज इसका जो लेंथ है यहाँ पर, ये 6 cm दिया हुआ है, राइट। या इन्होंने पेपर स्ट्रिप की बात करी है, वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रोप। तो यहाँ पर ये इसकी जो लेंथ है वो 6 cm है, एंड इफ़ आई डिवाइड दिस रोप इनटू द 3 equal parts, सपोज यहाँ से 1 part बना दिया और यहाँ से 1 part बना दिया मैंने, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 part बन गया, दिस इज़ द 1st part, दिस इज़ द 2nd part, एंड दिस इज़ द 3rd part ऑफ द रोप। सो यहाँ पर हम सिंपली व्हाट वी कैन से दैट द रोप इज़ डिवाइडेड इन द 3 parts। सो मैथमेटिकली हम इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, 6, राइट, 6 cm इज़ द लेंथ ऑफ द रोप, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 part, और इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 part। जैसे अगर हम इसको 3 part में डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 2, राइट। सो राइट ऐसा हो जाएगा, एंड इफ़ 6 divided into 2 part, सो वी विल गेट द 3, राइट। इस तरीके से हम इसको डिवीज़न को यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट। तो ये डिवीज़न होता है। तो हियर इन दिस एग्जाम्पल व्हाट वी कैन सी दैट हियर इज़ द डिवीज़न ऑफ द सिंपल होल नंबर्स, राइट। बट when we talk about the fractions, यहाँ पर अगर हम fractions की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नया टॉपिक है यहाँ पर, इस फ्रैक्शन में बोला गया है डिवीज़न ऑफ द होल नंबर, राइट, डिवीज़न ऑफ द होल नंबर जो बोला गया है यहाँ पर, डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, राइट। तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पर ये जो डायग्राम है सर्कल वाला आप देख रहे हैं, राइट। सो द होल एरिया ऑफ द सर्कल विच इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 part, right, which is divided into the 2 part, and each part is
ऑफ द होल सर्कल, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए, तो दिस इज द डिवीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, राइट। वन इज डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू, सो यू कैन सी दैट वन अपॉन टू एंड वन। तो यहाँ पर अगर हमको इसका डिवीज़न करना है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर जनरली रेसिप्रोकल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर वन दिया है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो फ्रैक्शन नंबर है वन अपॉन टू, इसका हमको रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा, राइट। तो रेसिप्रोकल इसका अगर हम बनाएंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमको यहाँ पर वन मल्टीप्लाई, राइट, वी कैन सी वन मल्टीप्लाई टू अपॉन वन। जैसे ही हम इस नंबर को, यानी कि ये जो ब्लू जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लू राउंड सर्कल में जो नंबर दिख रहा है वन अपॉन टू, उसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ पर क्या बनाया, टू अपॉन वन। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी नहीं समझाया था कि रेसिप्रोकल नंबर कैसे बनाए जाते, तो एज यू कैन सी दैट हियर इज द साइन ऑफ द डिवीजन विच चेंजेस इनटू द मल्टीप्लीकेशन साइन एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज वन इंटू टू दैट इज टू, सो द फाइनल आंसर इज टू। सो इफ वी डिवाइड वन बाय वन अपॉन टू, सो वी विल गेट टू, राइट। तो ये इसका डिवीजन जनरली होगा, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड, एज यू कैन सी दैट, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ रेसिप्रोकल क्या है वो हमने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो टेबल आपको दिख रही है ये हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके देख सकते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर ये जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ सेवन इंटू वन अपॉन सेवन, सो यू कैन सी दैट वन अपॉन सेवन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेवन, सो वी विल गेट वन। सो हियर अगेन इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी दैट वन अपॉन नाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ नाइन, सो आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर वी विल ऑल्सो गेट वन, राइट। सिमिलरली हियर यू कैन सी दैट फाइव अपॉन फोर मल्टीप्लाई विथ फोर अपॉन फाइव, सो बोथ द नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो अगेन वी विल गेट द वन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर येलो कलर में आप देख रहे हैं नीचे हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द डेफिनेशन कि द टू नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज वन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों नंबर जो है नॉन जीरो हैं और वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, और उनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, वन मिल जाता है, राइट। अगेन यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ सो यू विल हैव द क्लैरिटी, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, टू अपॉन सेवन इंटू डैश दैट इज इक्वल टू वन, तो हमको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका मल्टीप्लीकेशन करने से हमको यहाँ पर प्रोडक्ट वन मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली इफ वी रेसिप्रोकल द नंबर टू अपॉन सेवन, सो वी विल गेट सेवन अपॉन टू, तो यहाँ पर सेवन अपॉन टू आना चाहिए एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट वन, राइट। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। अगेन नाउ वी सी द ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट। फाइव अपॉन नाइन, सो हियर शुड बी नाइन अपॉन फाइव, यहाँ पर फाइव अपॉन नाइन और नाइन अपॉन फाइव को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा वन, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट इनटू द एक्सरसाइज, राइट। चलते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पर और हमें क्या बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिए हैं, है ना। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट, राइट। क्या देख पाएंगे आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू, सो हियर वॉट वी कैन डू, वी कैन मेक द रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन टू दैट इज टू अपॉन वन एंड दैट इज मल्टीप्लाई विथ वन, सो वी विल गेट द आंसर टू, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन वी कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जनरली दिया हुआ है करके बताया, और यहाँ पर ये आपको करना है, राइट। तो फाइव डिवाइडेड बाई टू अपॉन नाइन, सो इफ़ वी चेंज द साइन, यहाँ पर डिविजन का साइन है, अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन करेंगे सो वी हैव टू राइट नाइन अपॉन टू, राइट। यहाँ पर हमको नाइन अपॉन टू लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से ये दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ टू अपॉन नाइन दैट इज नाइन अपॉन टू, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई नाइन अपॉन टू, तो यहाँ पर हम इसको फाइव नाइन अपॉन टू लिख सकते हैं, इस तरीके से ही हमारा आंसर होगा। तो नाइन अपॉन टू कितना होता है, वी नो दैट दैट इज इक्वल टू 4.5, राइट। दैट इज इक्वल टू 4.5 एंड यू विल गेट द आंसर इफ यू मल्टीप्लाई 4.5 बाय 2, सो 5 5 ज़ा 25, सो दैट इज 5, कैरी आ गया 2 यहाँ पर एंड 5 4 ज़ा 20 और 2 22, राइट। एंड वी कैन पुट द डेसिमल दैट इज 22.5, या हम इस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 22
सॉरी इसको हम लिखेंगे 22.5, इस तरीके से भी हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी कम टू द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर, है ना, राइट? डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ये हम देख चुके हैं. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, ये एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे. सो वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी. यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राई दिस हमको दिया हुआ है, सो वी विल ट्राई दिस, राइट? ये क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. सो हियर वी विल अटेम द क्वेश्चन नंबर वन, दिस क्वेश्चन वी विल अटेम, राइट? सो वॉट दिस क्वेश्चन, 3/5 दैट इज डिवाइड बाय 1/2, ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ. तो इसको किस तरीके से करना है, या तो हम इस 3/5 का रेसिप्रोकल कर दें, या तो हम इस 1/2 का रेसिप्रोकल कर दें. दोनों नंबर का रेसिप्रोकल हमको यहाँ नहीं बनाना है, किसी भी एक फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल बनाएंगे. सो सपोज वी मेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, सो व्हाट विल बी द आंसर, राइट? वी हैव टू सॉल्व दिस 3/5 एंड वी चेंज द साइन दैट इज प्रोडक्ट एंड वी मेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 दैट इज 2/1 एंड सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 2s are 6 एंड 5 1s are 5. सो 6/5 दैट इज अवर आंसर, दिस इज द आंसर. सो दिस इज द डिविजन ऑफ 3/5 एंड 1/2, ये इसका डिविजन होगा, राइट? ये हो गया एक एग्जाम्पल, राइट? फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर से एक बार, राइट? तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, राइट? जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल, राइट? तो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको राउंड कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं. सो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, राइट? सो अगेन वी डू द सेम मेथड, वी हैव टू मेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 और 3/5. तो हम अगर यहाँ पर 3/5 का रेसिप्रोकल करेंगे, सो वी चेंज द साइन, पहले साइन डिवीजन का दिया था, अब हम मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे एंड 5/3 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5. सो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, सो दैट वुड बी 5, एंड 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर, सो इट विल गिव अस 6. सो 5/6 इज अवर आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ द डिविजन 1/2 एंड 3/5, राइट? सो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, राइट? इसको आप समझ चुके हैं. नाउ वी कैन ऑल्सो सी द अनदर क्वेश्चन, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो इट वुड बी 2 2s are 4 एंड प्लस 1 दैट इज 5/2, सो इट बिकम 5/2. यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है, ये जो नंबर है इसको मैंने 5/2 लिख दिया, राइट? And it is divided with 3/5, as you can see that. So in this question, we have to make the reciprocal of 3/5 again, 5/2, and we change the sign, that is the division, and 5/3 is the reciprocal of 3/5. Again, we multiply, 5 5s are 25, and in the denominator, we will get 6. So 25/6, that is the division of 5/2 and 3/5, right? तो इस तरीके से ये question भी आपका हो जाएगा यहाँ पर, right? और क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ यू लाइक दैट, राइट? सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस. तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर, राइट? आगे चलते हैं हम. इट इज़ डन. नाउ यू कैन सी द एक्सरसाइज 2.4. सो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.4 बिकॉज वी हैव सीन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इन द एक्सरसाइज 2.4 एंड यू कैन ट्राई योर सेल्फ, राइट? यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो दिया है, सो मैंने बताया कि इस तरह का डिवीज़न कैसे किया जाता है और रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, राइट? तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, राइट? देर इज़ ओनली द 4 क्वेश्चंस, बट यू हैव द डिफरेंट फ्रैक्शंस एंड द होल नंबर्स फॉर द डिवीज़न एंड मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा. एंड टेक द पॉजेस बिटवीन द वीडियो, बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड सो यू कैन मेक पॉज एंड रिपीटेडली यू कैन सी दिस exercise, and you will enjoy this, and keep watching, keep learning, and keep studying, right? And enjoy the mathematics. So thank you very much for watching this video. Have a nice day.